देखिए यहाँ पर है आपका एक टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बायोलॉजी का है। मानव में मेंडेलियन व्यतिकरण या इसी को कहते हैं मानव के कुछ जीनी व्यतिकर्मों का वंशागत कहते हैं। क्लियर है? तो अभी यहाँ पर देखना है कि होता क्या है। पहला नंबर तो ये दैहिक गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है ना। जैसे करें दैहिक गुणसूत्र यानी कि जिसको कायिक गुणसूत्र कहते हैं, उसमें जीन म्यूटेशन के कारण होने वाले कुछ प्रमुख रोगों है ना का वर्णन एवं वंशागति जो है निम्नलिखित। सबसे पहले रोगों के नाम देख लेते हैं कौन कौन से रोग हैं, है ना। तो इसमें देखिए पहला रोग है आपका दांत्र कोशिका अधूरिता, है ना, अरुधिरता। दांत्र कोशिका अरुधिरता या इसी को बोलते हैं हंसियाकार कोशिका अरक्तता, या इसी को बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया बोलते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना, मानव में मेंडेलियन के मेंडेलियन व्यतिकरण है ना, या मानव के कुछ जीनी व्यतिकर्मों की वंशगत, इसको इंग्लिश भी देखिए, यहाँ ये बायो ऐसा सब्जेक्ट है ना, कम से कम टोटली इंग्लिश ना पढ़ो भाई, कम से कम टर्म का तो इंग्लिश ध्यान ही दो। जैसे यहाँ बोलते हैं इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब यहाँ देखो, यहाँ व्यतिकर्म से नहीं समझ में आ रहा था ना, लेकिन डिसऑर्डर से तुरंत समझ में आ गया, अच्छा डिजीज वाला है। मेंडेलियन डिसऑर्डर इन मैन और इनहेरिटेंस ऑफ सम जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ मैन। तो यहाँ पहला क्या है, पहला रोग क्या है, दांत्र कोशिका अरुधिरता, या इसी को बोलते हैं हंसियाकार कोशिका अरक्तता, या इसी को क्या बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। ओके, ये पहला रोग हो गया। चलो इसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो ये होता क्या है, ये जो दांत्र कोशिका अरुधिरता है, यह एक उपापचयी विकार है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये कौन सा ऑर्डर है, डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो अप्रभावी सुप्त जीन के कारण हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना में अनियमितता से उत्पन्न होता है। देखो ये होता कैसे है, अप्रभावी, अब जीन दो होते हैं, एक होते हैं सुप्त जीन और एक होते हैं सक्रिय जीन, सक्रिय निष्क्रिय जीन होते हैं। तो ये कह रहे हैं अप्रभावी सुप्त जीन के कारण हीमोग्लोबिन की अगर आणविक संरचना में अनियमितता इररेगुलरिटी उत्पन्न हो जाती है, तो वहां से दांत्र कोशिका अरुधिरता रोग हो जाता है ना। इतना क्लियर है। दूसरा क्या है, सामान्य हीमोग्लोबिन को HB4 है ना, सामान्य हीमोग्लोबिन को किससे, HB4 से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन सामान्य है तो HB4, लेकिन असामान्य हीमोग्लोबिन को HBS नहीं, ये 5 है ना, HB5 द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सामान्य अगर रहेगा तो HB4 और असामान्य है तो HB5। तो अब आप लोग डॉक्टर तो बन ही गए, ब्लड टेस्ट को देखो HB4 है कि HB5 है, अगर HB5 है तो भैया हीमोग्लोबिन असामान्य है, दवा करो इसको। हम लोग डॉक्टर को दिखाते ना जो सैंपल हमें मिला रहता है रिपोर्ट, भैया देखो का है, तो डॉक्टर कैसे पहचान लेते हैं, अब वो सब पढ़े हैं इसीलिए तो डॉक्टर बने हैं, तो HB5 असामान्य है, HB4 सामान्य है, ऐसे होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना को 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। ये करें हीमोग्लोबिन आणविक संरचना में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होते हैं, 4, इसीलिए सामान्य जब रहता है तो HB4 हीमोग्लोबिन 4, वही 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। अभी याद रहेगा ना, ये तो यहीं से याद हो गया, और असामान्य तो 5 हो जाती है, होना कितना चाहिए, 4। आगे देखिए, जिनमें से 2 अल्फा, मतलब 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, लेकिन इन चारों में से क्या होता है, दो अल्फा और दो बीटा श्रृंखलाएं होती हैं, है ना। बीटा श्रृंखलाओं में प्रथम स्थान पर अमीनो अम्ल होता है। जैसे बीटा श्रृंखला की बात करें तो पहले कौन होता है, अमीनो अम्ल एकलक, है ना, अमीनो अम्ल एकलक मतलब मोनोमर, सदैव वैलिन का अणु होता है, और सामान्य हीमोग्लोबिन HbA की बीटा श्रृंखलाओं में 6 स्थान पर अमीनो अम्ल एकलक ग्लूटामीन का अण उपस्थित होता है। अब ये लाइन थोड़ा आपको कम समझ में आएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर वहाँ अमीनो अम्ल के डीपली जाकर बताया गया है। क्लियर है? अभी समझ में इतना, कुछ चीजें हैं कि आपको थोड़ा बहुत चीजें ऐसे होता है ना, संतोष करना पड़ता है। ठीक है भाई चाचू, समझ में आ जाएगा।
आज नहीं तो कल आएगा जरूर। क्लियर है, अभी समझ में आया? चलो अब बात करते हैं रंजकहीनता एल्बिनिज्म, इसको बोलते हैं एल्बिनिज्म। अब ये क्या होता है, अन्य अस्तनियों की भांति, अस्तन मतलब समझते हैं मैमल्स, वो होते हैं जो ऐसे बेबी बॉर्न करके उनको दूध पिलाते हैं। तो अन्य अस्तनियों की भांति मानव भी, अब मानव भी अस्तन है, अस्तनी है ना, मानव में भी बालों, त्वचा और आंखों का रंग मिलेनिन नामक वर्णक यानी कि पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण होता है। तो जीके वाला क्वेश्चन बढ़िया बन गया कि मानव में बालों का रंग, त्वचा का रंग या आंखों का रंग किसके कारण होता है, कौन सा पिगमेंट के वजह से होता है, मिलेनिन नामक पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। इसलिए मिलेनिन की अनुपस्थिति में त्वचा, अगर मिलेनिन उपस्थित नहीं है तो मिलेनिन की अनुपस्थिति में त्वचा, बाल और आंखों की पुतली रंगहीन दिखाई पड़ती है। अगर मिलेनिन अनुपस्थिति है तो त्वचा, बाल और आंखों की पुतली कैसे रंगहीन, मतलब बहुत ज्यादा कलर अच्छा खासा नहीं, और इसे इस आनुवंशिक विकार को रंजकहीनता कहते हैं। देखो रंजकहीनता, रंग की हीनता है ना, कौन से रंग की हीनता, त्वचा, बाल या आंखों की पुतली का रंगहीन हो जाना, किसकी वजह से, मिलेनिन की अनुपस्थिति के कारण। उपस्थिति तब तो भाई कोई पंगा ही नहीं है, अभी समझ में आया ये दो रोग आपका हो गया। चलिए अब नेक्स्ट है आपका फिनाइल थायोकार्बामाइड की स्वादंधता, इसको पीटीसी कहते हैं है ना, फिनाइल थायोकार्बामाइड किनल है, क्लियर है, फिनाइल थायो कार्बामाइड, हाँ कार्बामाइड या कार्बामाइड आप बोल सकते हो, क्लियर है। तो अभी ये क्या है, यह एक जननिक लक्षण है ना कि व्यतिकरण या बीमारी, मतलब ये कह रहे हैं ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये क्या जननिक लक्षण है, और इसकी खोज फॉक्स ने किया था 1932 में। किसने, फॉक्स मीन्स लोमड़ी नहीं बल्कि इंसान वाला, इसकी खोज फॉक्स ने 1932 में किया था, और पीटीसी नाइट्रोजन, कार्बन और गंधक का एक यौगिक है, मतलब पीटीसी किससे मिलकर बना है, तो नाइट्रोजन, कार्बन और गंधक का एक यौगिक है, कंपाउंड है, मतलब इससे मिलकर ये बना हुआ है। इसका स्वाद कैसा होता है, तीखा होता है। देखो स्वाद अंधता, स्वाद लेना पाना, एबिलिटी टू टेस्ट, टेस्ट करने की जो एबिलिटी है ना वो क्या हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। यहाँ पर लगभग हाँ, इसका स्वाद क्या होता है, तीखा होता है। लगभग 30% लोगों में स्वाद पहचानने की क्षमता नहीं होती है, और स्वाद परखने की क्षमता एक प्रभावी जीन कैपिटल टी द्वारा स्थानांतरित होता है ना, केवल जीन प्रारूप कैपिटल टी एवं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले व्यक्ति इसका स्वाद पहचान सकते हैं। मतलब ऐसे जीन प्रारूप जिनके अंदर कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों, ये ऐसे समझ लो लंबापन है मेंडल के अनुसार बताएं, लेकिन ये शुद्ध लंबा है और ये क्या है, संकर लंबा है, क्लियर है। यहाँ जैसे स्वादांध वो होते हैं जिनके अंदर स्मॉल टी होता है, कैपिटल टी क्या होते हैं, सामान्य होते हैं, जब ये क्रॉस करते हैं तो क्या बनता है, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी विषम युग्मजी है ना, तो ये भी सामान्य ही होते हैं, ये स्वाद पहचान सकते हैं, लेकिन ये वाले स्वाद अंध होते हैं, स्वाद के लिए अंधे होते हैं, स्वाद नहीं पहचान पाते, ठीक। अभी यहाँ जैसे अब इनका सेल्फिंग होता है, सेल्फिंग मतलब समझते हो ना, तो यहाँ से चार बनता है इस तरह से, 3:1, ये ऐसे मेंडल के प्रभाविता के नियम में F1 जनरेशन में तो दिखाया था कि 3:1 आता है फिनोटाइप उसका है ना, तो मतलब ये देखो कैपिटल टी सामान्य संयुग्मजी, कैपिटल टी स्मॉल टी सामान्य है लेकिन ये कैसे हैं विषमयुग्मजी, मतलब ये दोनों स्वाद की पहचान कर सकेंगे लेकिन ये स्मॉल टी स्वादांध होंगे संयुग्मजी। तो पीटीसी की स्वादंधता की वंशागति, क्लियर है, ये इसका ड्राइंग है, आप ड्रा कर देना जब आएगा तो। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रोग कौन सा, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया उपापचयी एंजाइमों की कमी से मनुष्यों में अनेक अन्य जन्मजात उपापचयी रोग वंशागत होते हैं। ये कह रहे हैं अगर बॉडी में उपापचयी एंजाइम की कमी है तो मनुष्य में कई प्रकार के जन्मजात उपापचयी रोग वंशागत होते रहते हैं है ना, और ऐसे रोगों में सबसे पहले गैरॉड ने 1902 में एल्केप्टोन्यूरिया की खोज की है ना, किसने की,
गैरॉड ने 1902 में एल्केप्टोन्यूरिया की खोज की। अब देखो भाई, ये चीजें किताब से ही लिखकर बनाए गए हैं नोट्स, ऐसा नहीं इंटर की बुक है आपका, और ये हर जगह काम आने वाला है, चाहे आप बायो के सेक्टर में कहीं भी अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, नीट हुआ या कोई भी एग्जाम हुआ, तो वहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए इसको बकायदा नोट्स बनाकर उससे, किताब से नहीं करवाया जा रहा है, ठीक है, बाकी किताब में है ये सारी चीज़ें। शरीर की कोशिकाओं में फिनाइल एलेनिन एवं टाइरोसिन नामक क्या पाया जाता है, अमीनो अम्ल के उपयोग से संबंधित उपापचय एक चरण में होमोजेनेसिफिक अम्ल बनता है ना, मतलब ये अम्ल कैसे बनता है, होमोजेनेटिक अम्ल बनता है कौन से अमीनो अम्ल के उपापचय से, ये फिनाइल एलेनिन और टाइरोसिन अमीनो अम्ल, है ना। और अमीनो अम्ल क्या होता है, प्रोटीन की इकाई होती है, अगर पूछ ले जाए प्रोटीन की छोटी इकाई क्या है तो क्या बताओगे, अमीनो अम्ल है ना। आगे देखिए, स्वस्थ मानव में इस अम्ल का पूर्ण उपापचय द्वारा उपयोग हो जाता है, अगर सही मानव है तो इस अम्ल का वो उपयोग कर लेगा, है ना, अगर नहीं है तो भाई उपयोग नहीं कर पाएगा तो समस्या होगी। आगे देखिए, एल्केप्टोन्यूरिया के रोगी इस अम्ल के आगे विखंडन नहीं कर पाते, मतलब इस अम्ल को ऐसे समझ लो पूरी तरह से उसको उपापचय उपयोग, मतलब उसको गला सड़ा नहीं पाते, उसको यूज नहीं कर पाते, अतः रुधिर से इसकी मात्रा बढ़ जाती है, मतलब रुधिर में जो होती है इसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है भाई, जब उसको उपापचय नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से क्या होता है जोड़ों में इसके जमाव से गठिया रोग हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है, आजकल कॉमन है ना, कई सारे लोगों को गठिया रोग हो रहता है। मूत्र में इस अम्ल का उत्सर्जन होने लगता है, भाई निकलने का तो रास्ता खोजेगा ही किसी ना किसी के थ्रू, और ऐसा मूत्र वायु लगते ही काला पड़ जाता है, ये पहचान है ना, अगर ये किसी को ऐसा रोग हुआ है तो वायु पड़ते वो ब्लैक हो जाएगा, यह दशा इस रोग की सूचक होती है, ठीक है, वही चीज है, समझे इतना। चलिए अगला रोग है फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU, है ना, फिनाइल कीटोन यूरिया, एक्चुअली ये बना है फिनाइल कीटोन यूरिया, कीटोन और यूरिया, इसलिए इसका नाम PKU पकाऊ, है ना, फिनाइल कीटो कीटोन यूरिया। तो ये क्या, फिनाइल कीटोन यूरिया की खोज नार्वे के चिकित्सक, अब नार्वे ये देश है, कंट्री है, तो नार्वे के फिजिशियन ए पोलिंग द्वारा 1934 में किया, किसने किया, ए पोलिंग ने 1934 में फिनाइल कीटोन यूरिया PKU की खोज की। इसमें होता क्या है, इस रोग में फिनाइल एलेनिन, अब ये क्या है, अमीनो अम्ल है, इस रोग में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रॉक्सीलेज की कमी होती है, मतलब यहाँ देखो फिनाइल एलेनिन किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन अमीनो अम्ल में, तो इसको कन्वर्ट करने में कौन सा एंजाइम काम करता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रॉक्सीलेज एंजाइम काम करता है, लेकिन उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और जब कमी हो जाती है तो रुधिर में फिनाइल एलेनिन एकत्रित हो जाता है, भाई जब वो बदलेगा ही नहीं तो स्वाभाविक है एकत्रित हो जाता है। फिनाइल एलेनिन के जमाव से बच्चों में अल्प बुद्धिता, है ना, अल्प बुद्धिता, मेंटल डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब मंद बुद्धि हो जाती है, कम दिमाग हो जाते हैं, भोंदू किस्म के, है ना, बच्चों की वृद्धि बाधित होती है, स्टंट ग्रोथ होती है, मतलब वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं, वृद्धि विकास उतना नहीं हो पाता है। मूत्र में पसीना क्या होता है, बदबूदार हो जाता है, लगभग 18,000 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को ये रोग होता रहता है, पर 18,000 व्यक्तियों में से ये रोग होता रहता है, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट रोग है आपका थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया ऑटोसोमल उत्परिवर्तित जीन के कारण मनुष्य में होने वाला एनीमिया रोग है, मतलब थैलेसीमिया क्या है, एनीमिया रोग है, होता कैसे है, थैलेसीमिया ऑटोसोमल उत्परिवर्तित जीन के कारण होता है, किस कौन से जीन, थैलेसीमिया ऑटोसोमल उत्परिवर्तित जीन के कारण होता
है, जीन दोगुनी मात्रा होमोजाइगस में पाया जाता है। दोगुनी मात्रा मतलब ऐसे होता है ना पेयर में, जैसे एक्स एक्स ये इस तरह से, तो जीन दोगुनी मात्रा हो यानी कि होमोजाइगस में पाया जाता है। ये रोग घातक थैलेसीमिया मेजर कहलाता है। अगर ये बहुत घातक हो गए उसको थैलेसीमिया मेजर कहेंगे। इस रोग के कारण बाल्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है ना। अगर हेट्रोजाइगस व्यक्ति, जैसे अगर क्या है होमोजाइगस है तो जीन दोगुनी, हेट्रोजाइगस मतलब असमान मात्रा में रहेंगे, है ना। जैसे एक्स वाई हेट्रोजाइगस है आपका, तो हेट्रोजाइगस व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जिनमें हेट्रोजाइगस जीन पाया जाता है वो मंद रोग प्रदर्शित करता है। मंद रोग मतलब मंद बुद्धि वाला, है ना, वृद्धि विकास मंद होगी, स्टंट हो जाएगी, रुक जाएगी। और लास्ट रोग है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस। कौन सा रोग? सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये है गुणसूत्र 7 पर उपस्थित जीन में अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। जैसे 7वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है उसके जीन में अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण ये रोग हो जाता है। ये कैसा रोग है? आनुवंशिक रोग है। इसमें होता क्या है, शरीर में एक असामान्य ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। इसमें मतलब यही प्रॉब्लम हो जाता है, शरीर में असामान्य ग्लाइकोप्रोटीन, सामान्य हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, असामान्य ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। शरीर के द्वारा असामान्य लसलसा श्लेष्म स्रावित होता है, जैसे नाक है ना, श्लेष्म जिसको म्यूकस कहते हैं इंग्लिश में, ये होता है फेफड़े यकृत एवं अग्न्याशय के रास्तों को अवरुद्ध कर देता है। भाई स्वाभाविक है, जैसे जब जुखाम उखाम रहता है ना ऐसा लगता है जैसे सब बंद हो गया रास्ता, तो वही चीज है, फेफड़े यकृत एवं अग्न्याशय के रास्तों को ये क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। क्लियर है?